हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। सुबह के अभी समय 9 बज गए हैं। मेरा स्नान पूजा सब मस्त हो गया। आज ये वाला सूट पहना है, बड़ा मतलब कंफर्टेबल है। भूल जाती हूँ इसको पहनने कई बार सोचती हूँ इसको पहनने ही भूल जाती हूँ। बड़ा कंफर्टेबल भी है, बड़ा अच्छा फिटिंग इसकी बहुत बढ़िया है। मैं जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए, नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। नाश्ते में आज मैंने बहुत टाइम बाद चूड़ा दही खाई है, दही चूड़ा। और मेरा कुछ खाने का वैसे मसाले वाली चीज़ कुछ खाने की इच्छा भी नहीं थी, तो मैंने दही चूड़ा खा लिया है। तो आज क्या है प्रोग्राम, रुक जाओ बैठ के ही बोल दो। तो आज प्रोग्राम ये है कि स्वाति चलने वाली हैं कहीं की छुट्टी, बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले चलते हैं हम लोग, थोड़ा बच्चों को घुमा के ले आते हैं, कुछ खिला पिला के ले आते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई। तो गुड्डा अभी अबिबू को करीब 1-1.5 बजे के बाद ही कहीं लंच मिलेगा, तो उसके बाद ही सब लोग हम लोग निकलेंगे। अभी तो फिलहाल हमने नाश्ता कर लिया है। बिभू अभी उठे हैं सो के, तो इनको भी चलते नहा लें, नहा के अपना फिर इनको भी नाश्ता देती हूँ। नहा लें बिभू तो नाश्ता देती हूँ इनको भी। और मैं जो है सुबह के सारे काम हो चुके हैं, खाना पीना आज नहीं बनाई हूँ। नाश्ता भी बिभू को भी वही दही चिवड़ा दूँगी। सब व्हाइट कपड़े आप धुले थे, पसीना जरा देखो। ओह, कपड़ा डालने में ये हालत हो गई है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हर 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 से पंखे की आवाज़ आती है, इस चक्कर पंखा भी बंद करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अभी तो पसीना सुखाना पड़ेगा। पानी पीती हूँ, फिर अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गुड्डा हम सभी तैयार हो जाएंगे तब। देखो मैंने आज क्या आर्टिफिशियल पहना, मैं कभी आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ। ये बीना यहाँ छोड़ गई थी, मेरी छोटी वाली सिस्टर यहाँ आई थी काफ़ी पहले, तो वो भूल गई या छोड़ गई पता नहीं। यहाँ मैं खुद नहीं, मुझे पता था एक डिब्बा है उसमें ढेर सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पड़ी हैं, किसी का छूटा हुआ कभी दिया है, मैंने ख़रीदा नहीं है, बस ये बता दो। तो उसमें आज मैंने कहा कि इस कपड़े मैच हो रहा है थोड़ा, हालांकि ये ब्लैक है कि डार्क ब्लू है पता नहीं, लेकिन पहन लिया। आज देखो ये लोग आ गए, ये सारे कुत्ते उन्हीं की फिराक में हैं पूरी। कैसे तार के ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं, क्या करें, नीचे उतर ही नहीं सकते हैं। इतने बदमाश हैं यहाँ के डॉग्स, कैसे भागते हैं नीचे उतरते हैं तो। आई तो भाई हम सभी तैयार हो गए हैं, जैसा कि बताया था हम छुट्टियों से पहले, छुट्टी नहीं सॉरी छुट्टियां खत्म होने से पहले एक बार बच्चों को जरा घुमा के ले आते हैं। वो देखो सबसे बदमाश बच्चा उधर है, तो इनको खिला के लेके आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साउथ इंडियन शोर को नहीं खाना है, साउथ इंडियन पिज्जा शोर को नहीं खाना था। हमें शोर के हिसाब के रेस्टोरेंट चल के ढूंढना है और चलना है खाने के लिए। हाँ ये बहन भाई दोनों बहन भाई तो सिटी हाइट्स पे अगर चलते हैं तेरे पिज्जा एक तो वहां पे मंगा, ये पिज्जा भी वो अच्छा है वो वाला। ये दोनों बहन भाई की समस्या है, पहले गुड्डा छोटी सी थी तो मैं घर पे होती थी, मैं देखो पहले से ही बहुत घूमने घामने का नहीं था, स्वाति के साथ निकल जाती थी गुड्डा। हाँ जाओ भैया और स्वाति जाए, सैटरडे संडे इनका फिक्स था खाने के लिए, और गुड्डा चली जाए इनके साथ में, कहीं दर्शन करने जा रही, कभी कुछ खाने जा रही है, सैटरडे संडे इनकी पार्टी होती थी। और पता लोग कहते थे कि मैं मौसी की बेटी हूँ। वहाँ पंखा चल रहा है, बंद करो। कंप्यूटर तो नहीं, 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 नहीं। कहीं ब्लास्ट हो जाए, ब्लास्ट पूरी रात चला के थोड़ा बहुत तो बिजली का उस
उसमें ऐड होता है, मैं स्लीप डाल देता हूं। नहीं बंद करके स्लीप मोड हो तो क्या हुआ, थोड़ा ना क्या बंद करते हैं एसी का। अगर आप ऐसे रिमोट से भी बंद कर दो और प्लग ऑन है तो भी उसका हल्का सा जाता है दीदी बंद कर दीजिए। अरे यही नहीं, सुबह में कई पूजा करने तो भाई एकदम शाम था। वो तो अंदर उसका बोलता है, मैं पूरा फिर मतलब वहां घूम रही हूं, जाके कान लगा के इधर सुना मैंने गेम में कलेक्ट होता है तो इसका पता नहीं क्या कर रहे। मैं बंद करूंगा आज। हां बंद करो चलोगे साहब। वहां दुर्गापुरा के वहां ले लो अभी तो, वही जो पहले गए वहां। हां उससे, हां उससे पहले आ जाएगा वो। हां वही 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 है रोड पर, रोड वही है। शहर यही चलते हैं। आज शहर के डोसा खिला के छोड़ूंगी मैं। हरगिज ही नहीं, ये तो मतलब है ना उसको मतलब है ना करना ही नहीं है इसको, मेरे को नहीं खाना। नहीं खाएगा तभी तो खिलाना है मुझे। देखो तब इडली खा लेती हूँ मैं, बनाए थे ना उस दिन। ये तो मेरी इडली थी, तू तो खा तो लेती है। ये तो मेरे अच्छी नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगा। ये कल मैंने इडली बनाई और ठीक है सांभर की जगह पे दाल बनाई। दाल अलग कर दिया, फिर सब्जी छौंका, फिर दोनों का मिला दिया। तो मैं कहां मिला हुआ मिला था। गलती ये हुई जिनके लिए दाल अलग से निकालना था मुझे, इसलिए दाल बनाया था वो पूरे में डाल दिया। अच्छा ये हो गया, पूरी एक इडली खाई थी। अच्छा हुआ गुड्डा का कुछ तो मतलब सब्जी खाने को मिला। एक इडली खाई थी पूरी सौरे के। मैं क्या नहीं रह के आगे बेबू ध्यान रखना, फिर इधर मोड़ना है। ये फोर्ट है उस दिन जा गए कुछ नहीं जाना। अभी वो ला पिनो नहीं जा रहे हम लोग, ला पिनो है। हाँ तो तू तेरे को वहाँ छोड़ देते हैं, तू वहाँ आपके लिए खाना। यही है सामने सिटी हाइट, सामने ये जो ये सिटी हाइट लिखा है ना लखनऊ। रोड हो गया हुआ भाई, क्या हुआ रोड है यहाँ से बारिश में और टूट गई। इधर आ जाएंगे यहाँ पार्किंग भी हो जाएगी उसी जगह भी। अच्छा ये तो गेट ही है, पर हाँ ये इस तरफ हो जाएगी इस तरफ बात हो गई। सर इसको जलमहल हम लोग बहुत उतनी दूर जाते थे खाने, यही जलमहल से ही खाया था आइसक्रीम। सब लोग पेट में वापस आते वक्त खा लेंगे। मम्मी ने एक बार में लेके गए थे हम लोग बहुत खाना खाई थे। मत लेना मैक्सिकन, मैक्सिकन मत लेना। नहीं राजमा चावल बढ़िया है। नहीं 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 रेंदर रेंदर नहीं 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 भाई दिल्ली का पिज्जा आ गया सबसे पहले। ले 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 पहले खुद ही ले। तो पहले शोर ये लो, ले लो यार। हाँ येलो झुकनी है। अरे गिरा रहा है, झुक जा, झुक के खाओ, झुक के खाओ। जो मैंने बोला मैंने पहले आ रहे तुमने क्या है वो क्या मंगाया है पिज्जा खाने का ये तरीका गुड्डा बचपन से प्रैक्टिस की है। नहीं है गरम, ये तो बटा तंदूरी आलू है ठीक है। ये शायद वो है नहीं, ये मशरूम खाना है। कौन सा मशरूम है ये कुछ है कबाब वगैरह। और ये क्या है, ये जो कटर कटर ये तो वो है वो पनीर टिक्का। कुछ तो था क्या क्या है काजू फट गया। क्या है आलू
मैं दिखाता हूँ इसको असली खाने का मतलब। मुझे आलू अच्छे लग रहे हैं। ये मंगा लूँ एक और स्टफ काम। हम्म, आलू बढ़िया है। प्लेट लाओ। मैं खाली नहीं है। आइसक्रीम में हम लोग चल रहे हैं। ये ग्रीन आ रहा है ना, इधर खड़ा हो। मम्मी मम्मी अपना सामान भी दे दिया, हमारा भी दे दिया। तो भाइयों बहनों, बेचारी मेरी छोटी बहन का हाथ ही एक प्यारा सा, जब पापा ने दिया था इसको जब ये छोटी थी, मम्मी ने उसको ऐसे ही दे दिया। नहीं बता सकता मैं, लेकिन आपने देख लिया। जल महल की यादें जो है ना, काफी कुछ है। हम बुड्ढा की एक फोटो है जल महल की, वहां वाली अम्ब्रेला लगा के। चलो भाई, अब तक छोटी सी थी ना वो, कोई फोटो है। इसने क्या किया था, अम्ब्रेला अपने सिर पे लगा के और वो आइसक्रीम खा रही थी, वो फोटो हमारे पास है। हम लोग जल महल यहाँ भी खुल गया, अच्छी बात है कि हम लोग आके खा गए। ब्राउनी है, ब्लैक करंट है, खा के बताना। सॉफ्टी ले लो, ले लो। ये देखो ये वाले कौन कौन से हैं। चलो भाई क्या बढ़िया, हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया बनाए हो। एंजॉय। शोर को नहीं ली, इसको वाला ली, ये वाला शोर के लिए नहीं लिया। ऐसे ये वाला तुम ये खाओ, ये लो चखो तो। बहुत सुंदर बनाया, सजाया बहुत बढ़िया इन लोगों ने। अर्थक्वेक, हम तो बताओ अर्थक्वेक। विभू ने स्पाइसी गुआवा पी का बना आइसक्रीम खाना। देखो देखो देखो, शोर कैसा है तुम्हारा, कुकीज अच्छी है, कुकीज एंड क्रीम। मैं तो भाई चख लिया, सारे अच्छे हैं। देखो एक ये वाला भी बढ़िया है, ये वाला भी बढ़िया है। इसमें मुझे सबसे ज्यादा चॉकलेट बहुत अच्छा लगा, ये भी अच्छी है। उसका नाम है वोल्केनो, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। क्या नाम है इसका, अच्छा ब्रेरो रोशर संडे, सिंगल संडे। और स्लीपर इधर उतार के उधर देखो, नींद भी ले ली आइसक्रीम खा के। तो भाई यहाँ से बच्चों ने जल महल से बढ़िया मस्त आइसक्रीम खा लिया सबने, उधर देखो निकल गए सब। तो गाड़ी आ रहे तो इधर ही जाओ, बैटरी में पता ही है मेरे पास था। उसमें एक इंसान ने लिखा था अरे बैटरी बादल तो भाई एकदम। देखो उधर कैसे बादल दिख रहा है, उधर सफेद
इधर हमारी तरफ देखो एकदम काला बादल, ऐसे इधर आओ तो एकदम काला बादल। जी डरवाए, छत पे चलती हूँ, छत पे चलते हैं। हम लोग आए काफी देर हो गया, थोड़ी देर लेट गई थी, पीछे कपड़े बहुत सारे थे, मैंने बादल आ रहे हैं जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड किए और चाय रखी हूँ बच्चों के लिए, थोड़ा दूध बनाया, अब चाय पी लेती हूँ, चलती हूँ थोड़ा छत पे, हवा भी लगेगी छत के ऊपर और बादल देखते हैं। बारिश अभी तो इतनी जल्दी देखो नहीं आई, तो चलते हैं। लग तो रहा है बरसेगा तेज, देखो जब बरस जाए। बादल इधर हमारी तरफ से एकदम ब्लैक हो रहा है, इधर से दिखने में स्टिक नहीं ली हूं ना, इसलिए दिख नहीं पा रहा है। तो भाई सूरज निकलने लग गए हैं इसी बादल के अंदर से, अब बारिश होगी कि नहीं, हवा तेज हो गया ना जिसकी वजह से हमें लग रहा है। तो देखो भाई थोड़ी थोड़ी बारिश तो होने लगी, लेकिन ऐसे किसी ने बारिश का मजा लिया हो तो बताओ। ये देखो इधर देखो, रुक देखो, क्यों खोलने दे, क्यों बंद कर रही है, इधर देखो बारिश का मजा लिया जा रहा है छतरी जिससे कि ये देखो पानी के बूंदे आ रही है ना इधर, ये देखो पानी से भी बचना है और आनंद भी लेना है बारिश का। धीरे धीरे हो रही है अभी बारिश, मम्मी आपके जुकाम से इंतजार के नहाने दोगे, जुकाम हो गया तो बाबा राम दो, जाओ नहाओ मुझे कोई मना नहीं है, जाओ नहाओ बाबा राम दो तो नहा रहे थे, जाओ जाओ अगर तुम बर्दाश्त कर सको तो नहाओ। खाना खाएंगे इसलिए इधर खिचड़ी डाल दी, आज शनिवार भी है तो शनिवार को शाम को खिचड़ी खाना चाहिए, तो इधर खिचड़ी डाल दिया है, इधर मैंने मसाला क्योंकि प्याज वगैरह कटा था तो इसलिए मसाला बना रही हूँ। शाम का स्नान पूजा सब कुछ हो गया है और मेरा ये भी बन गया है, आज बस खिचड़ी डाली है, तो थोड़ा सा जा रही हूँ ऊपर छत पे, थोड़ा सा वहीं टहलूँगी, हाला हाला एक एक बूंद बरस रहा है, वही देख रही थी बंद हो जाता है ना, तो बाहर देखो एकदम लाल हो गए बादल, ये एक साइड से तो चमक रहे हैं, ये देखो कैसे उधर देखो बादल कैसे रेड कलर के हो रहे हैं। लाल हो गए। लो बहुत दिन बाद छत पे आई हूँ और देखो जरा पीछे कैसे बादल लाल हो गए हैं, इधर बादल एकदम साफ है, इधर बादल है देखो एक साइड में इधर काला है और उधर लाल है, तीन कलर के बादल हो रखे हैं इस समय। तो चलो फिलहाल मैं अब थोड़ा टहलती हूँ, और कहते हैं पूजा जो है ना एकदम जब सूर्य की लालिमा, मतलब सूर्य की लालिमा दिख रही हो वो टाइम होता है संध्या पूजन के, संध्या आरती का। तो मैंने मतलब अपने शिवपुराण महाशिव पुराण में लिखा है कि सुबह का कौन सा एकदम सही टाइम होता है पूजा का और शाम का संध्या आरती का कौन सा सही टाइम होता है पूजा का, तो उसमें था कि सुबह के पूजा का टाइम जो होता है ना कि 3 बजे के बाद, सुबह के 3 बजे के बाद और सवेरे के करीब 5, 5:30, 6 बजे तक, बहुत देर हुआ तो उसके बाद का अधम पूजा बोलते हैं, सुबह की बता रही हूँ, और सुबह कहते हैं कि जब तक तारे दिख रहे हैं आसमान में तब तक की पूजा सबसे सही पूजा, एकदम बेस्ट पूजा होती है, मतलब भगवान को मिलती है, और शाम की पूजा जब सूर्य की लालिमा दिख रही हो तब तक की, उसके बाद की नहीं,
और सूरज अगर उगे हुए हो तब की नहीं, तो वो होती गोधूली जो टाइम होता है वो होती है संध्या आरती का टाइम। अब मैं जैसे ही सावन आने वाला है ना, तब महाशिव पुराण पढ़ना शुरू करूंगी। पूरे सावन में महाशिव पुराण पढ़ती हूँ, उसको पूरा करती हूँ। तो अब शुरू करूंगी जिससे कि सावन सावन उसको पूरा कर सकूँ। या थोड़ा टाइम लग गया तो लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब शुरू करूंगी। कितना मस्त लग रहा था बादल, जिसके लिए मैं आप लोगों को दिखाने आ गई कि किस कलर गए। और आप लोगों को सही बताऊँ ना, उतना क्लियर दिख नहीं रहा है कैमरे में जैसा मुझे दिख रहा है। गजब का कलर है। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय। वाह भाई कैसा लग रहा है, अब देखो जरा। सिंदूरी कलर में सिंदूरी झंडा।